हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। आज है 23 मार्च और 23 मार्च का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप किस शहर में शुरू हुई? तो ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप जो है आपकी भोपाल में स्टार्ट हुई है, मध्य प्रदेश में। लग्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विराट कोहली को लग्जर जो आपकी पेंसिल और रबड़ आती हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं विराट कोहली जी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस झील में एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया? तो डल झील में उद्घाटन इसका किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताया डल झील कहाँ पे है। G20 की सिविल 20 इंडिया की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो नागपुर में आपकी G20 सिविल की आयोजन बैठक का किया जा रहा है। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन देश में रसद लागत निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगा? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ये काम आगे करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद के सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, ये आपको ध्यान में रखना है। किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन आपका खोला गया। ट्यूलिप फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? मतलब ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिया गया है किसे? श्री रतन टाटा जी को। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आगामी एग्जाम से जरूर पूछा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, भारत के G20 प्रेसिडेंट के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस बुकिंग ग्रुप की बैठक 21 से 23 मार्च 2023 तक किस शहर में होने वाली है? तो G20 का दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, और बैठक आपकी उदयपुर में होने वाली है। ये था आज का आपका सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या क्लासेस या फिर हमारे ऑफिशियल ऐप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।